दोस्तों ये है होंडा की एसपी न्यू 2023 का सबसे लेटेस्ट कलर। जैसे कि मैंने एक दूसरे कलर की वीडियो बनाई थी वो वाली यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये है सबसे नया वाला ग्राफिक का नया कलर और ये E20 BS7 फ्लेक्स व्हील है। तो चलिए आज इसकी वीडियो हम बनाते हैं और पूरी डिटेल्स इस बाइक का देते हैं। तो सबसे पहले अगर आप फ्रंट पर देखेंगे तो यहाँ पर होंडा का लोगो और फुल LED हेडलैम्प का सेटअप आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक नया ग्राफिक मिलेगा, यानी कि इस कलर पर ये ग्राफिक नहीं आता था। तो अब ये सबसे लेटेस्ट और सबसे नया कलर मिलेगा आपको। ये है ड्रम वेरियंट 130 mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंसन रिफ्लेक्टर और मेडगार्ड आपको जो है ग्लॉसी ब्लैक कलर पे और पीछे आपको मेट रहेगा इस तरह से मिलेगा। और 80/18 का ट्यूबलेस टायर। इस बाइक में दोस्तों एक बहुत ही खास चेंजेस क्या है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, आपको जानकर काफ़ी खुशी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राफिक की साइड से और इंडिकेटर भी आप देख सकते हो इस तरह से। और यह है ड्रम वाला 130 mm का रहेगा, बाकी डिस्क वेरियंट भी आता है, दो वेरियंट में मिलेगी। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको पासिंग बटन 2-way वाला मिल जाएगा इस तरह से, और उसके बाद इस तरह से आपका रहेगा, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पर देखेंगे तो इस बाइक में सेल्फ स्टार्टर, इंजन की स्विच, यानी यह सारा सिस्टम मिलेगा। ये है आपका फुल डिजिटल मीटर जिसमें गियर इंडिकेटर भी आपको मिलेगा, टाइम भी आपका बताएगा कितने गियर में गाड़ी वो बताएगा, एवरेज बताएगी, सारी चीज़ आपका बताएगा। यह है पूरा सेटअप आप देख सकते हैं। E20 वाला ये रहा आपका फ्यूल टैंक का कैप, 11.5 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिलेगा। और यहाँ पर आपको होंडा वाला 3D वाला लोगो मिलेगा इस तरह से आप देख सकते हैं, नए ग्राफिक और नए स्टिकर पर। अब यहाँ पर इंजन की बात करें तो 125 cc इंजन, 5 गियर और मान के चलिए कि 60 से 65 का माइलेज, किक और सर्फ दोनों स्टार्टर, E20 वाला आपको इंजन मिल जाएगा दोस्तों। फुल चेन कवर मिलेगा, साइड स्टैंड कट ऑफ इंजन का फीचर मिलेगा, फुटेस्ट आपको मिल जाएंगे। और ये है आपका नया वाला सारी गार्ड और एक नया ग्राफिक, नया स्टिकर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो स्टिकर है ये सबसे अलग मॉडल है, अभी तक ये स्टिकर इस गाड़ी में नहीं आता था। तो ST 125 नया। और ये देखिए इसके अंदर तक अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो इस तरह से आपको ग्राफिक्स मिलेंगे जो कि सबसे अलग स्टिकर दिए गए हैं यहाँ पर। ये टेक्सचर डिज़ाइन यहाँ पर आपका रहेगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस फ्यूल टैंक पर ये भी एकदम नया और सबसे अलग स्टिकर आपका रहेगा। और दूसरी साइड से भी हम आपको दिखा देते हैं, ये रहा। तो ये जो ग्राफिक्स और स्टिकर्स हैं सबसे अलग रहेंगे। और यहाँ पर इस साइड पर देखेंगे तो होंडा का आपको 3D वाला लोगो इस साइड पर भी मिलेगा, ये ग्राफिक्स नए। ये आपका ग्लॉसी ब्लैक मेट का जो कॉम्बिनेशन है सबसे ज़बरदस्त है। ये रहा आपका इंजन और ये रहा आपका ब्रेक लीवर जो कि काफ़ी मजबूत है, ये आपका फिक्स रहेगा, फुटरेस्ट। और इस साइड पर भी आपको एक नए ग्राफिक्स और नए स्टिकर देखने को मिलेंगे। इस इंजन में इनहेंस स्मार्ट पावर का सिस्टम मिलता है, यानी कि ESP टेक्नोलॉजी। और ये रहा इसका साइलेंसर, क्योंकि साइलेंसर काफ़ी बेहतरीन दिया गया है, पहले से थोड़ा सा अच्छा कन्वर्ट किया गया है। यह है इसका मफलर, फ्लेक्सिबल फुटरेस्ट, 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन आपको मिलता है, 130 mm ड्रम ब्रेक। पीछे का जो टायर है वो आप कर दिया है 180/18 का, पहले 80/18 ही था लेकिन अब आपको मिलेगा 180/18 का, यानी पीछे वाला जो टायर है और अलॉय व्हील ये पतली चौड़ी कर दी। और काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे हैं भाई कि जैसे इसका टायर जो है या इसमें 80/18 का लगा सकते हैं, नहीं लगेगा क्योंकि इसका जो अलॉय व्हील है ये भी चौड़ी कर दिया है, ये चीज़ भी चौड़ी हो गई है, ठीक है ना। आगे वाली से ये आपको चौड़ा मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं आगे वाली इस तरह से है। और ये देखिए तो ये चौड़ाई भी इसकी बढ़ा दी है और ये अलॉय व्हील जो है बिल्कुल नई मॉडल की कर दी है। आप सीट देख सकते हैं, सीट काफ़ी बढ़िया मिल जाएगी जो कि 2 से 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। तो सीट भी काफ़ी मुलायम कंफर्ट सीट है। और पीछे के जो पैनल है वो यहाँ पर इस तरह से आपको ग्राफिक्स और स्टिकर मिल जाएंगे, ग्रेविल आपको इस तरह से मिल जाएगी, काफ़ी अच्छे ग्रेविल है। और पीछे जो टेल लाइट है वो आपको बल्ब वाली मिल जाती है, इस तरह से आप देख सकते हैं। इंडिकेटर चारों सेम, होंडा का लोगो, यहाँ पर नंबर प्लेट लाइट, पीछे का जो फेंडर है वो इस तरह से देखेगा इस गाड़ी में। तो ऑलमोस्ट ये बाइक अभी 3 कलर में आई है, ग्रे और ये कलर है और दूसरा वाला ये कलर है, तो 3 कलर में ये बाइक आ चुकी है। इसकी जो ऑन रोड कीमत है वो 1,07,000 ऑन रोड कीमत है UP के फैजाबाद जिले की। वीडियो आपको पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।